लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र आज यानी कि रविवार जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना चुनाव घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र में गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर फोकस किया है। बता दें कि 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। इसी दिन बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे अपने बीमारियों का इलाज कैसे करवाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए यह चिंता और भी गंभीर है। बीजेपी का संकल्प है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। पीएम मोदी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पूरे देश को बीजेपी के संकल्प पत्र का इंतजार था। पार्टी ने 10 साल में अपने वादों को जमीन पर उतारा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में मुद्रा योजना ने करोड़ों लोगों को उद्यमी बनाया है। इस सफलता को देखते हुए बीजेपी ने एक और संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किए गए थे, अब भाजपा ने यह सीमा 20 लाख रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। वह आगे कहते हैं कि मुझे विश्वास है इसका उपयोग उद्योग 4.0 के युग के लिए आवश्यक परिस्थिति तंत्र के निर्माण की दिशा में एक नई ताकत के रूप में किया जाएगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।